अजमेर में आरएस स्टाइल कलेक्शन या कपड़े की शॉप है, वहाँ पे हम लोगों से क्वेश्चन पूछने के लिए जा रहे हैं, तो आइए। आपका नाम क्या है? राजू खान। राजू खान, और मैं ये मतलब आपकी शादी हो चुकी है? हो चुकी है सर। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए, तो आपको कैसा लग रहा है आपकी शादीशुदा लाइफ? शादीशुदा लाइफ अच्छा लग रहा है, पर ये है कि बहुत जल्दी शादी होगी मेरी। ऐसे गांव के हिसाब से तो परिवार के हिसाब से जल्दी होनी थी, जो गांव का रूल ही ऐसा है, बस उनको क्या है, बस घर में अगर बुआ जाए तो काम कराना है, और काम के चक्कर में आजकल गांव में जल्दी शादी। अपनी शादीशुदा लाइफ से खुश है? खुश है। तो आप ये मतलब परिवार की तरफ से भी खुश है या अपनी तरफ से, दोनों तरफ से खुश है या आप अपनी तरफ से खुश है? देखो, दो तरह की बात होती है। एक तो अपने 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 भले अपने थोड़ा बहुत परिवार की भी सोचनी चाहिए अपने को। अगर परिवार की नहीं सोचेंगे तो फिर किसकी सोचेंगे अपन? और परिवार की ये है कि परिवार में चलो कर दी शादी तो फिर करनी पड़ेगी, लेकिन आगे के जो आने वाला भविष्य है उसमें अपन को थोड़ा ऐसा लगेगा यार शादी अपने को जल्दी कर ली या अपनी पसंद की होती तो अच्छा लगता। ये अपनी एक थोड़ा वो आता है दिमाग में, पर क्या करें, परिवार की वजह से करनी पड़ती है शादी। बाकी एक तो लव मैरिज होती तो वो अपने हिसाब से होती। लव मैरिज में आप ज़्यादा खुश होते हैं? ज़्यादा खुश होते हैं। शादी हो चुकी थी? मेरी होगी थी 17 साल में होगी थी। 17 साल? 17 साल की एज में? दोस्तों ये नोटिस कीजिए, 17 साल की एज में इनकी शादी हो चुकी है, तो आदमी क्या तरक्की कर पाएगा। मतलब ये देख लो, नाबालिग शादी, ये बहुत एक बहुत बड़ा केस है अपने लाइफ में। तो शादी होने के बाद मतलब आपके कुछ बच्चे वगैरह है अभी? अभी एक लड़की है मेरी। अच्छा, एक लड़की है, कितने साल की? वो 1 साल की है। 1 साल की हो चुकी है। अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है कि ये लाइफ लॉन्ग लाइफ ये शादी चल पाएगी या कुछ दिल से सुकून मिल पाता है, नहीं मिल पाता है? देखो, दोनों तरफ से ये, तो या तो शादीशुदा लाइफ ढंग से जी लो या परिवार वाले की तरफ देख लो। अच्छा, नहीं तो आजकल क्या है, एक सिस्टम ही चल रहा है कि लव तो करते हैं लेकिन लोग आपस में लेके भाग जाते हैं, तो वो भागने वाला सिस्टम बेकार है ये अच्छा? आप ये बताइए, देखो ये गलत बात है। अगर उसको अगर शादी करनी है तो उनको पहले बात परिवार से सहमत होना चाहिए, अगर सहमति मिले तो करना चाहिए, और परिवार वालों को भी कुछ ऐसा समझना चाहिए आज के टाइम में केवल लव मैरिज चलती है। अगर ऐसा होता है तो ठीक होता है, लव प्लस अरेंज होनी चाहिए, मतलब फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए और ये बारी बारी बताना चाहिए। ओके दोस्तों, इनसे मुलाकात अच्छी हुई और हम इनसे हेलो। आपका नाम क्या? मस्तान खान। मस्तान खान, मस्तान जी, आप मुझे ये बताइए, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी, डबल शादी हुई। डबल शादी आपने कैसे की? ये मेरी शादी 8 साल का जब मैं था जब हो चुकी। 8 साल के? अच्छा, उसके बाद में बनती नहीं थी हमारे। अच्छा, जब वाइफ आने लगी, ऐसा होता है नहीं बनती है किसी के, जब कम उम्र में शादी हो जाती है समझ नहीं रहती उस समय, तो नाबालिग हो जाता है ना, उसके नाबालिग हो जाता है, तो बाद में झगड़ा होता है, ऐसा मियां बीवी में बनती नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, तो उस वजह से हमने डबल शादी भी कर ली। तो पहले दो बच्चे हैं मेरे। अच्छा, अभी हैं दोनों, अभी एक लड़का है। एक लड़का, मतलब तीन है। तो आपका फैमिली सपोर्ट करती है या नहीं करती है? फैमिली अगर सपोर्ट में मांगता हूँ कभी तो करती है ऐसे, बाकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है ना, मतलब फैमिली इग्नोर कर देती है अपनी लाइफ में के आप अपने लाइफ में झेलो। पहली शादी मेरी हुई थी, तो पहली शादी जो हुई जब मैं बहुत खुश था, मतलब घर वालों की तरफ से कोई कमी नहीं थी मेरे। अच्छा, और अभी जब दूसरी शादी हुई है तो मतलब मजदूरी करनी पड़ रही है। अच्छा, अब मजदूरी करनी पड़ रही है, मतलब आप पहली शादी से खुश नहीं है शुरू से बचपन में, वो तो नागिनी थी, आपको कुछ मालूम नहीं होगा। मतलब अब 8 साल की इनकी एज में शादी होगी, मतलब 8 साल का बच्चा एक छोटा सा नाबालिग बच्चा होता है, उसकी शादी कर दिया जाती है, उसके बाद में उसको ऊपर वो टेंशन मिली के मेंबर को समझा करो, उनको ये क्वेश्चन पूछो आपको क्या पसंद है क्या हो, और आपको ये लगता है कि यार कम खर्चे में शादी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो टेंशन डबल हो जाती है कि आप लोगों को लिए हम लोगों को मालूम नहीं होता, हम लोगों को मालूम नहीं होता गाँव के लोगों को कि ये बाद में क्या होता है, ये बाद में एक सरदर्द बन जाता है, फिर बाद में तलाक वगैरह हर चीज़ कोर्ट कचहरी का चक्कर वगैरह सब कुछ लगाने पड़ते हैं। सही मान, आज ये इनकी डबल शादी, आप ये सोचो आप ये दोनों के साथ में कैसे जी पा रहे हैं, आप उधर भी नहीं जी पाते ना घर के ना गार्ड के, ये चीज तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए लाइफ में, अपनी लाइफ में। तो मैं तो लोगों को यही सुझाव देना चाहता हूँ कि इन इंसानों से कुछ सीखो आप,
बचपन में जो आज आप उन लोगों का दम घोट रहे हो ना, मतलब जीते जीते मार रहे हो ना, तो ये चीज गलत है। ओके सर, आपसे मुलाकात बहुत अच्छी हुई। और आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे लोगों से कैमरे के सामने? मेरा कहना यही है कि अपने बच्चे की शादी 22 साल के बाद ही करें, उससे पहले अगर आप शादी करोगे तो जैसा मैंने किया वो भी यही करेंगे। थैंक यू। हाय गाइस, हम जीएन बिल्डिंग वालों के पास में हैं और इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जाओ रोड पे आइए। 27 साल तो आपकी शादी कितने साल होगी? 27 साल तो लेकिन पहले वाले हिसाब से अभी रुकते नहीं बच्चे। अच्छा, ये तो आप खुद जानते हो, पहले 18 साल 19 साल 20 साल के बाद ही शादी होगी। आजकल तो 15 साल 16 साल के अंदर अंदर शादी कर रहे हैं, क्या करें? मतलब वो एज ग्रोथ, मतलब ज्यादा वो पढ़ाई के कारण होता है। पढ़ाई कौन देखता? अच्छा, अभी तो 15 साल का 16 साल का लड़की हुई तो शादी करो, इसका शादी करो, पता नहीं लड़की का क्या होगा। ये माँ बाप अपनी मजबूरी से करते हैं, रात को घर नहीं आता, लड़की घर नहीं आती, माँ बाप को तो शादी करनी इज्जत बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए शादी करनी पड़ती है। लड़का 16-17 साल का होता है, घर के बाहर नहीं लग जाता, लड़की आजकल 14-15 साल की बात करने लग जाती है, क्या माँ बाप क्या करें? तो अपनी इज्जत बचाने के लिए माँ बाप को शादी करनी पड़ती है। वो जी सोच रहे हैं तो भाई इनको 25 साल के बाद शादी करनी चाहिए या 20 साल के बाद करनी चाहिए, वो तो दौर ही नहीं रहा, अभी तो कुर्जक है, कलयुग है। तो अभी तो कौन माँ बाप ऐसा जो घर बार खेती बाड़ी छोड़ के या नौकरी छोड़ के उनका ध्यान रखे? अभी तो हर घर वाले को पता, हर आदमी को पता है कि मेरी बेटी कैसे है, मेरा बेटा कैसे है, ये सबको ध्यान है, इसी हिसाब से चल रहे। अभी तो जैसे 18 साल का लड़का हो गया, अभी 16 साल की लड़की हो गई शादी कर देनी, लेकिन अभी क्या कि वो गवर्नमेंट का नियम है कि 18 साल की लड़की होनी चाहिए, 21 साल का लड़का होना चाहिए, वो दौर ही नहीं है ना अभी। आपके अनुसार मतलब जो पसंद है उससे शादी करनी चाहिए, ये बेटर है? नहीं, पसंद है उससे शादी क्यों नहीं चाहिए, खानदान से शादी करो। आइए हम एक ड्राइवर साहब से पूछते हैं। आपकी एज क्या है? उम्र 24 साल। 24 साल आपकी एज है, तो मतलब अभी आपकी शादी हुई तो आपको कैसा लग रहा है? शादी शुदा लाइफ अच्छी लग रही है, बेकार लग रही है या जल्दी हो गई? ऐसा लेट होगा तो आप अपने सेट हो जाते हैं अपनी लाइफ में, है ना? मतलब अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते थे वो आप कर लेते हैं, खुद के कदमों पर खड़ा हो जाए फिर। अच्छा, बात कदमों की आ रही है, है ना? मतलब अपने जब तक अपन खुद पैरों पे नहीं खड़े हो जब तक अपन को शादी नहीं करनी चाहिए, वो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो सर, आपकी जो ये ड्राइविंग लाइफ है, ये कैसी लाइफ है आपकी? ब्यावर रोड अजमेर में राजू होटल या नजीर टेलर की दुकान है भाई। ये वहाँ पूछते हैं बाल विवाह और लव मैरिज के बारे में, आइए। मेरा नाम अल्फाज। अल्फाज सर, अल्फाज जी आप ये बताइए, आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई? नहीं हुई। तो आप शादी मतलब लव मैरिज करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज है? मेरे घर वालों को मुझे समझाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, फिर वो मानेंगे नहीं, बहुत परेशानी आएगी मुझे इस चीज़ में, और लड़की के भी लिए बहुत परेशानी आएगी, हर चीज़ के लिए बहुत मतलब सोचना पड़ता है। वही तो फंडा है, अभी स्ट्रगल करोगे तो बाद में मजे लोगे, ओके बाद में, लेकिन अभी अरेंज करोगे तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। नहीं, आप ये चाहते हो कि मतलब लव प्लस अरेंज हो, है ना? फैमिली वाले भी राजी हो जाओगे, तो उसके लिए क्या क्या करोगे, कैसे घर वालों को समझाओगे? करने को तो बात करनी पड़ती है सब कुछ, पर मुझे नहीं लगता है कि मतलब अपने घर वाले मानेंगे। घर वालों को अगर समझावे तो जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। तो क्या मम्मी पापा से भी गुजारिश करता हूँ कि इनकी फीलिंग को समझे और उनका जो ये चाहते हैं वो आप कैमरे के जरिए आप देखें और उनको इस फीलिंग को समझे और इनके जो जो ये चाहते हैं वो आप इनको दें। आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? मम्मी पापा की खुशी के लिए तो अरेंज मैरिज सही होगा। अरेंज मैरिज आप उसमें खुश रहोगे? आजकल के विक्रम खान सर, विक्रम जी सर जी, आप ये बताइए, जैसे भैया ने बोला था कि लव मैरिज में झगड़े होते हैं, अरेंजमेंट नहीं होते हैं, तो अरेंजमेंट झगड़े भी होते क्या? नहीं, अरेंजमेंट होते हैं, मैंने तो लव मैरिज की है। अच्छा, आपने लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज करके मैंने घर वालों को अरेंज किया था। अच्छा, बाकी मेरे को मेहनत करनी पड़ी, प्लस मेरी वाइफ भी बहुत सपोर्ट किया मेरे, और मेरे ससुर ने सपोर्ट किया मेरे को, और अभी मेरी लव मैरिज
5 साल हो गए मैंने शादी को 2012 से शादी की थी मैंने। कुल मिला के आपकी लाइफ सक्सेसफुल है? तो सक्सेसफुल है, लेकिन मेरी वाइफ को वाइफ भी अच्छी है, मेरे घर वालों को फीलिंग समझती है, घर वाले फीलिंग समझते हैं। अच्छा। और मेरी लव मैरिज बिल्कुल सक्सेस है। तो आज के जमाने में ये लव मैरिज प्लस अरेंज होना चाहिए, क्योंकि अरेंज मैरिज में लड़का लड़की को देखता नहीं है और ऐसे घर वालों के दबाव में शादी कर देता है, तो फिर वो शादी कुछ ना कुछ तोड़ मड़ोड़ लेके वो शादी टूट जाती है। तो ये अभी अभी लव प्लस अरेंज करना चाहिए अब आज के जमाने में देखते हुए। आप अपने बच्चों की लव मैरिज कराना चाहोगे या अरेंज? ये तो बच्चों पे डिपेंड करेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मेरे बच्चे खुश रहे और जो कई दूसरे परिवारों में जो रिश्ते टूट जाते हैं वो नौबत मेरे घर में नहीं आएगी, ऐसे मैं शेट्टी भाई करके रखूँगा। ऐसे बंदे मिले हैं ग्राम जी हमको जो जिन्होंने लव प्लस अरेंज करी है, तो ये सक्सेसफुल यही है मेरे हिसाब से। जो इकराम जी ने किया थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, मतलब थोड़ी सी मेहनत करी करनी पड़ी, जो इन्होंने मेहनत की ना आज ये खुश है, उनके जिंदगी में मतलब कोई टेंशन नहीं, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज यह हर तरह से खुश है। अगर ये अरेंज भी कर लेते तो ये खुश नहीं हो पाते जितने आज ये हमारे सामने कैमरे के सामने ये चीज़ भी फ्रेंड सर्किल है, जितने भी जो जिनकी लड़के लव करते हैं वो अरेंज लव मैरिज करना चाहते हैं तो उनका सपोर्ट करें, उनको नेगलेक्ट नहीं करें, उनको समझा, उनको एक तरह से तोड़ नहीं करें उनको जितने भी। तो ये बताइए आप अरेंज मैरिज आपकी सक्सेसफुल है या नहीं? सक्सेसफुल है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके हिसाब से लव मैरिज करनी चाहिए अरेंज मैरिज करनी चाहिए? वैसे तो अरेंज मैरिज तो घर वाले पसंद है, लव मैरिज करनी चाहिए। लव मैरिज करनी चाहिए, मतलब लव लव प्लस अरेंज मैरिज है ना, मतलब दोनों घर वाले भी रह जाए अपन भी रह जाए कैंसिल करिए, है ना, वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये भी आप हाय फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटा बजाना मत भूलना, लाइक करना भी मत भूलना।